किसान साथियों नमस्कार मैं गुरुदया जैविक फार्म भोजपुर से विवेक शर्मा और जैसा कि आपने को मैंने एक वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि जो हमने बंद गोभी लगाया हुआ है उस बंद गोभी पर काटने के बाद बंद गोभी का फूल लेने के बाद और निरंतर वेस्ट डिकम्पोजर के प्रयोग से उस पर दोबारा से टलरिंग हुई और दोबारा से फूल भी बनने शुरू हुए तो आज मैं दो आपको क्योंकि अब आप मौसम भी चेंज हो गया है टेम्परेचर बढ़ गया है और गोभी का सीज़न भी लगभग ऑफ की तरफ है ये सर्दी वाला गोभी था तो इसका सीज़न भी ऑफ़ है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो फूल हमारे छोटे छोटे थे जिस समय आज उनकी क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पहले वीडियो में वो पत्ते ही बन रहे थे टेलरिंग उन पर होना शुरू हुई थी आज मैं उनकी कंडीशन दिखाने जा रहा हूँ और कुछ प्लांट्स पर बीज भी बनना शुरू हुआ है तो मैं वो भी दिखान, दिखाना दिखाना चाहूँगा ये आप देखिए ये ये देखिए ये था उस समय पर इन पर ये तीन थे तीन दो पूरी तरह से बनकर तैयार है और एक लगभग ये एक किलो से लगभग ऊपर का फूल बनकर के तैयार है ये ये दोनों पर फूल तैयार हो चुका है और लगभग मेरे हिसाब से डेढ़ या दो दो किलो के लगभग फूल तैयार हो चुके हैं ये आप देख सकते हैं ये इसी तरह से ये दो ये तैयार हैं ये दोनों पूरी तरह से फूल बनकर के तैयार हैं जो उस समय पर ये छोटे छोटे थे और माने चारों तरफ से पत्ते बन रहे थे ये देखिए इस पर ये तीन के तीन पूरे बने थे जो मैंने शुरुआत में ये दिखाया था ये वही पौधा है इस पर तीन फूल पूरे हैं एक ये पूरा है लगभग डेढ़ किलो से ऊपर दो किलो तक का हो सकता है और ये दो फूल ये, ये देखो ये वही पौधों को मैं मार करके आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने पहले वीडियो में दिखाए थे ये ये तीन वाला था ये तीनों पर पूरे फूल बन गए तीनों फूल बन चुके हैं ये भी तीनों फूल बन चुके हैं ये देखिए आप एक बड़ा दिखाया था जिस पर चार या पांच बन रहे थे वो ये है ये देखिए इस पर चार फूल चारों बन रहे हैं ये देखिए एक इधर है एक ये है एक इधर है और एक ये वाला और मैं समझता हूँ कि इसका प्रयोग अगर सर्दियों के दिनों में अच्छे से किया जाए क्योंकि ये एक अकस्मात का चमत्कार हमारे खेत पर हुआ था आगे से हम इसको दोबारा फिर कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी हम पैदा ले सकते हैं फसल ले सकते हैं ये देखिए और ये हमारे कुछ फ्ला पर ये फ्लावरिंग हो रही है इस पर हम इसका बीज बनाने की प्रक्रिया जिन पर जिन पौधों के ऊपर फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है ये देखिए इसका हम बीज भी तैयार करेंगे ये और इसका बीज तैयार करके आगे फिर इसका रिजल्ट देखेंगे ये देखिए लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हाई टेम्परेचर अब हमारे यहाँ टेम्परेचर भी बढ़ गया है हाई टेम्परेचर में वेस्ट कम्पोजर के ही कारण ये अभी भी गोभी पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है और खाने में भी इसके स्वाद में कोई बदलाव नहीं आया है तो वेस्ट डिकम्पोजर वाकई बहुत चमत्कारिक है बहुत उपयोगी है और मैं वीडियो के अंत में पुनः वेस्ट कम्पोजर को बनाने वाली पूरी टीम माननीय डॉक्टर कशन चंद्रा जी और माननीय डॉक्टर कश्य चंद्रा जी की पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि उन्होंने ऐसा अमृत तुल्य एक चीज बना करके हम किसानों के बीच में ला करके के रख दी है और इसका हम भली प्रयोग कर सकते हैं धन्यवाद जय जवान जय किसान